तो फ्रेंड्स, पास्ता हम जब भी बनाते हैं पहले उसे हमें बॉयल करना होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम इसे पैन में बॉयल करते हैं, लेकिन आज मैं इसे कुकर में बॉयल करूँगी। इसे ये बहुत ही इजीली और क्विकली ये बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कटोरी पास्ता लिया है, आपके पास जो भी पास्ता अवेलेबल हो ले सकते हैं। और मैंने उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी लिया है, यानी 3 बाउल मैंने पानी लिया है। 1/2 टीस्पून नमक डाला मैंने, 1 टीस्पून ऑयल डाला मैंने, और मैंने कुकर का लीड मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक इसे बॉयल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 सीटी आ चुकी है, पास्ता अच्छे से कुक हो चुका है। कुकर को उतार कर साइड में रख देंगे। अब उसी गैस पर मैं रख देती हूँ एक पैन। इस पैन में मुझे पहले रेड सॉस बनाना है, तो मैंने इस पैन में 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं आप कर सकते हैं। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 रेड चिली और 4 से 5 गार्लिक क्लोव यानी लहसुन की कलियाँ। अब इन दोनों को 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गार्लिक एंड रेड चिली जो है सौते हो चुका है। तो अभी मैंने यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1.5 कप कटा हुआ टोमेटो, यानी 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो मैंने चॉप कर ले लिया है। और 1/3 कप ऑनियन यानी 1/2 ऑनियन मैंने कट कर इसे ले लिया है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ऑनियन का रॉ स्मेल निकल जाए और टोमेटो मैसी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, टोमेटो एंड ऑनियन अच्छे से कुक हो चुका है। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करूँगी और मैं फिर से उसी पैन में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। और जब तक वो ऑनियन एंड टोमेटो जो मैंने कुक किया है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने इस ऑयल में अब 4 से 5 मैंने गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ को बारीक चॉप कर ले लिया है। 2 ग्रीन चिली को बारीकी से चॉप किया है और इसे 1 मिनट तक सौते कर लेंगे अच्छे से स्टर करते हुए। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए, अब ये सौते हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किए हुए चॉप किए हुए ऑनियन। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप कर ले लिया है और मैं अभी इसे रॉ स्मेल निकलने तक फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड, जब तक ऑनियन कुक हो रहा है तब तक ये देखिए टोमेटो और ऑनियन जो हमने उसे कुक किया था वो ठंडा हो चुका है। तो अभी हमें इसे रेड सॉस तैयार करना है। तो मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दूँगी और इसे मैं ग्राइंड करके एक अच्छा पेस्ट, थिक पेस्ट बनाना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, एक थिक पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा रेड सॉस। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनकर उसका तैयार हुआ है टोमेटो और ऑनियन का। अभी मैं आपको पास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया पास्ता हमारा कुक हो चुका है और इधर हमारा ऑनियन का जो रॉ स्मेल है बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी कैरेट और ग्रीन पीस। मैंने अगर आपको पसंद हो डाले, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें आप और भी सारे वेजीज ऐड कर सकते हैं जो भी आप पसंद करते हों। इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसे जब तक कैरेट एंड पीस जो है थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक कुक करेंगे। तो ये दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, 2 से 3 मिनट तक मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई किया था। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने टोमेटो ऑनियन का जो रेड सॉस बनाकर तैयार किया है, रेड चिली का, उसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसे अच्छे से मैं स्टर कर दूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे, इतना ध्यान रखें। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मैंने सब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो मैंने अब बॉयल किया हुआ पास्ता जो लिया है उसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉस के साथ पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसे भरकर 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डाल दूँगी। इससे इसका टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पास्ता और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और पास्ता हमारा कुक हो चुका है। अभी लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब। अगर आपके पास ऑरिगेनो है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। ये टोटल स्किपेबल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, वरना नहीं तो ब्लैक पेपर से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा रेड सॉस पास्ता। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।